मॉर्निंग, सुबह ही सुबह छत के नज़ारे लेते हुए। अभी हम काम कर रहे थे गमले पे, इसको हमने पलट दिया है और ये दो हम लेकर आए थे। इसमें सीड्स हैं जो कि हमने 17 तारीख को लगाई थी, इसको अब हमने पलट के इधर से स्लेब डाली है। अब तीन तरफ से हम डालेंगे, यानी कि 6 दिन लगेंगे। इसको 2 दिन तक ऐसे ही सूखने देंगे, 6 दिन में ही हमारा गमला तैयार हो जाएगा। छत को साफ़ करना शुरू कर दिया है, कीड़े वगैरह जो लगे हुए थे उन पत्तों को काट के हटा दिया है सारे नीचे पड़े हुए। तो अब ये 10 से 15 दिन में पूरा साफ़ हो जाएगा। और इधर हमारे बीज भी फूटने लगे हैं, ये बीज फूट के निकलने शुरू हो गए क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले बीज डाले थे और वो अब जर्मिनेशन शुरू कर रहे हैं। सब में हो रहे हैं, इधर भी जर्मिनेशन शुरू हुआ है। ये तुरई के पौधे हैं सारे, तोरी मतलब गिलकी, गिलकी के पौधे हैं। तो ये सारी जो आप देख रहे हैं, इसने ग्रोथ लेनी शुरू करी है। जूम आउट कर रहा हूँ, इसने ग्रोथ लेनी शुरू करी है। अब टेम्परेचर अब इसके मुताबिक, तो यहाँ पे गिलकी जो है वो 33 डिग्री के अराउंड उठना शुरू होती है, 25 से 45 डिग्री के बीच में अच्छी वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं। और इधर बैंगन के भी हमारे ग्रो हैं, इसको अभी हमने शिफ्ट करा है सारे। ये हमारा पौधा खुद ब खुद रुका है। ये है टमाटर का, इसको हमें सीधा करना पड़ेगा वरना ये ख़त्म हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया है पत्तों का भी सीरम, यानी कि उसका जूस निकाल लिया। ये सारे पत्ते हैं हमारे जिनको हम ड्राई करेंगे और पूरी तरीके से ये ग्राइंड हो चुके हैं। पहले मैं सोचा था कि सुखा के ड्राई करके फिर ग्राइंड करूँगा, लेकिन फिर मैंने इनको गीले में ही ड्राई करके और इनका जूस निकाल लिया। अब फर्मेंट ये करेंगे, इस जूस को डालेंगे इस वाले बैंगन के पौधे में। इसके अंदर ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी आ रही है, सब तरफ से फूट रहा है। अब इसके अंदर हम ये डालेंगे और इसको सूखने के लिए हम छोड़ेंगे। इसको डालते हैं इसमें, जड़ों के पास नहीं डालना क्योंकि जड़ों के पास डालेंगे तने के पास नहीं डालना, जड़ों थोड़ा सा दूर डालना है। तो ये हमने डाल दिया है, अब ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसका मिट्टी के अंदर। जब हम पानी डालेंगे तो जो मिनरल्स हैं वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वो पौधों के अंदर पहुंच जाएंगे पानी के थ्रू। हमने निकाल दिया है, ये थोड़े पिस नहीं पाए वो हम बाद में देख लेंगे। बाकी इसके अंदर देख सकते हैं कितना अभी वाटर है। तो ये पूरा ड्राई हो जाएगा 3 से 4 दिन में, तब हम इसको यूज़ करेंगे पौधे के अंदर। इसके अंदर सीड्स भी हैं, ये अनार की सीड्स हैं, ये सारी अनार हैं। तो इनका बेनिफिट मिलेगा पौधे को आने वाले टाइम पे, क्योंकि सारे ये चुकंदर की पूंछ है। तो ये सब सूखेंगे अच्छे तरीके से, तब हम इनको डालेंगे। इसके अंदर डाल चुके हैं, और यहाँ पे जिस सुबह हमने स्लैब डाली थी वो हार्ड हो गई है। अब एक दिन इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, कल पानी डालेंगे, उसके बाद हम इसको पलट देंगे इधर की तरफ से। फिर इसको वो करेंगे इधर से या इधर से, दोनों में से एक तरफ से, फिर बाकी की अलग से स्लैब बनाएंगे क्योंकि फिर गिर जाएगा। क्रैक आ रही है उसमें बीच में, ये दिख रहा होगा आपको, क्रैक आ रही है।
सारी क्रैक्स बन रही हैं, तो ये भी फटेगा थोड़ा सा, उसको हम सही कर देंगे क्रैक्स को। आपसे जिक्र कर रहा था कि ग्रो बैग के अंदर मिट्टी सूखती नहीं है, उसकी वजह आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने कल डाला था, अब ये हमारा ड्राई पोर्शन है, ये हमारा गीला पोर्शन है। तो सीमेंट के गमले भी जो है ना, बाहर एयर के अंदर जो पानी होता है उसको छोड़ते हैं। सबसे बढ़िया मिट्टी के रहते हैं, मिट्टी के सबसे ज़्यादा पानी निकालते हैं, उसके बाद फिर सीमेंट के, और ग्रो बैग्स में से पानी नहीं निकलता है। अगर आप बड़े ग्रो बैग लगा रहे हैं, वो अंदर से सड़ जाएगा। तो आजकल आप देखते हैं कि ग्रो बैग लगा रहे हैं, तो वो एक मार्केट स्ट्रेटजी है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ग्रो बैग एक तरीके से पॉलीथीन ही है, और वो आने वाले टाइम पे आपकी सेहत को नुकसान देगी, तो ग्रो बैग को अवॉइड करें। मैं ख़ुद ग्रो बैग हटा रहा हूँ, ये सारे ग्रो बैग्स मैं हटा दूँगा, क्योंकि ये सेहत के लिए ख़राब है। गमला हमारा बन रहा है 24x24 का स्क्वायर में, हम खुद बना रहे हैं, तो इसमें अच्छे से वायर डाल के अब इसको बढ़िया करके बनाएंगे। इन सब ग्रो बैग्स को उठा के हम फेंक देंगे, क्योंकि ये सिर्फ पैसा वेस्ट और टाइम वेस्ट, और इसमें सब्जियां गल जाती हैं और सब्जियों के प्लांट मर जाते हैं। प्लास्टिक बेस्ट नहीं है। अपने वेजिटेबल्स के प्लांट को उगाने के लिए मिट्टी के बर्तन में उगाओ, यानी कि मिट्टी के पॉट में, उसके बाद सीमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं। या तो कैरियाँ बनवा लो ईंटों की, वो सबसे बेस्ट है।